मिशन के चक्कर में जबरदस्ती निजी अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कराने का मामला अब जोर पकड़ने लगा है। शुक्रवार को लोगों ने सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के नाम उखंड अधिकारी विनोद मल्होत्रा को ज्ञापन देकर छोटी साधुरी नगर में प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों द्वारा नीमच, चित्तौड़, उदयपुर, अहमदाबाद आदि अस्पतालों में कमीशन के चक्कर में जबरदस्ती मरीजों को निजी अस्पतालों में भर्ती कराने और एम्बुलेंस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, जिसमें बताया कि इससे निजी अस्पताल लोगों के साथ लूट खसोट कर रही है। साथ ही बताया कि छोटी साधुरी में पिछले कई वर्षों से किसी भी पीड़ित मरीज या फिर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को छोटी सादड़ी अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर, अहमदाबाद या और कोई अन्य रेफर किया जाता है, लेकिन पीड़ित या घायल व्यक्ति व उसके परिवार वाले उस समय कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसके साथ ही घायल व्यक्ति का किस अस्पताल में इलाज करवाया जाए ये निर्णय नहीं ले पाते। इसी का फायदा उठाते हुए छोटी सादड़ी में समस्त निजी एम्बुलेंस संचालकों द्वारा कमीशन के लालच के चक्कर में मरीजों को निजी अस्पतालों में जबरन भर्ती करवा देते हैं। इसके बाद घायल व्यक्ति व पीड़ित के परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ऐसे हालात बन जाते हैं कि प्राइवेट अस्पताल मरीजों का भारी भरकम बिल थमा देते हैं और गरीब मरीज इतना भारी भरकम बिल नहीं भर पाता है। इससे गरीब तबके के लोग इतना भारी भरकम बिल नहीं जमा करा पाते और इसके साथ ही कई बार तो गरीब मरीज अपनी जमीन और जेवर तक बेच कर रख कर अस्पतालों द्वारा दिए गए बिल को जमा कराते हैं। इससे उनकी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने उपखंड अधिकारी मल्होत्रा से कमीशन के लालच में निजी अस्पतालों में गरीब मरीजों को लूटने वाले और एम्बुलेंस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।